बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ रेड सॉस पास्ता। तो रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए मैंने पानी उबाइल करने के लिए रख दिया है पहले से ही, और इसमें डाल रही हूँ मैं उबाइल आ गया था पानी में, तो मैं ये पास्ता, ये मैक्रोनी पास्ता है मेरे पास। आपको जो पसंद हो, जैसा पसंद हो, फ़िलहाल मेरे पास यही था, मैंने घर में यही रखा हुआ था, तो यही मैंने डाल दिया है। एक टीस्पून नमक, एक टीस्पून ऑयल। तो ये बॉयल हो जाता मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये रख दिया था। ये गल जाता है, बॉयल हो जाता है, तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर हम रेड सॉस कैसे बनाएंगे। रेड सॉस पास्ता डिज़ाइन अपने मर्ज़ी का, शेप अपने मर्ज़ी की इस्तेमाल करेंगे आप। ये मैंने बहुत ज़्यादा ख़रीद लिया था, इसलिए मुझे मैक्रोनी ही बनानी पड़ रही है आजकल। ठीक है, तो मिलते हैं इसके उबलने के बाद। एक टेबल स्पून डालूंगी मैं अदरक लहसुन का पेस्ट, आप खाली लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने अदरक लहसुन यूज़ किया है, आप सिर्फ लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं पिसा हुआ होता है तो मैं यही डाल देती हूँ हर चीज़ में, अच्छा टेस्ट आता है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। एक दो मिनट से फ्राई करेंगे और इसमें डालेंगे चिकन। ये मैंने 250 से 300 ग्राम चिकन के क्यूब्स बना लिए हैं छोटे छोटे। ये एक ब्रेस्ट था जिसका मैंने ये छोटे छोटे क्यूब्स की शक्ल में बनाए हैं रोटियाँ। हाफ टी स्पून के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। ये बिल्कुल वाइट हो जाए और ये चिकन का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए तो मैं टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दूँगी। मैंने 3 टमाटरों को पेस्ट बना लिया है। इसकी स्मेल, जो मैंने अदरक लहसुन डाला है, इसकी स्मेल थोड़ी सी ये फ्राई करने से कम हो जाएगी। तो डालेंगे पेस्ट टमाटर का, बहुत आसानी से, बहुत यानी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको टिक्का मैक्रोनी जो है ये रेड सॉस में बनाना सिखा रही हूँ। चिकन में पानी ना डाला जाए, तो ये देखें ये ऐसे बबल्स जो हैं, अभी समझो कि इसमें पानी है, चिकन में इसमें पानी है। ये चिकन की ये जो बबलिंग, ये जो नज़र आ रही है आपको, ये पानी है, ये खुश्क हो जाता है। तो हम मिलते हैं इसके खुश्क होने के बाद। ये देखें सारा खुश्क हो गया है और मैं डाल रही हूँ अब इन टमाटरों की पेस्ट। चिकन इसमें गल भी जाएगी और टमाटर भी अपनी जो ये कच्चापन है ये भी पक जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा पक जाते हैं फिर दोबारा मिलते हैं। 4 टेबल स्पून डाल दिया टमाटो केचप। ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से भी कम है। मिर्च तो ये रेड रखना है हमें, इस वजह से हम रेड डालेंगे। 1/2 टीस्पून रेड चिली सॉस, टेबल स्पून रेड चिली सॉस। दो चम्मच सिरका, दो चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च का डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च।
नमक डालेंगे हम थोड़ा सा बस, और क्योंकि मैंने फ्राई करने में भी डाला है और पास्ता में भी डाला है, चुटकी के करीब मैंने डाला है, और हम टेस्ट करके और डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें चीनी। तो हमारी चिकन हो गई है ठीक, और हम डाल देंगे इसमें पास्ता, 2 चुटकी ओरिगानो की डाल दी, कर देंगे पास्ता को मिक्स। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, रख देंगे थोड़ा सा दम पे, और मिलेंगे हम 5 मिनट के बाद। ठीक है, हो गया हमारा पास्ता तैयार। तो ये देखें कितनी आसानी से और सिंपल तरीके से हमने रेड सॉस पास्ता बना लिया है, मज़ेदार सा। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आया मेरी रेसिपी, आप देख रहे हैं और चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको मेरी बनाई हुई, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद करें। अल्लाह हाफिज़।